विद्युत प्रवाह का ऊष्मीय प्रभाव। जब विद्युत प्रवाह सुचालक से होकर गुजरता है तब परिपथ के अलग अलग विद्युतीय घटक, जैसे वो उपकरण जिससे वो जोड़ा गया है या खुद तार भी विद्युत प्रवाह को कम अधिक मात्रा में प्रतिरोध निर्माण करती है। वो कार्य जो इस प्रतिरोध को रोकने के लिए किया जाता है वो अपने आप को ऊष्मा के रूप में प्रस्तुत करता है। ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का एक साधारण सा वर्णन कहा जा सकता है। घरेलू उपकरण जो विद्युत पर चलते हैं वास्तव में ऊर्जा को खर्च करते हैं। ये ऊर्जा कभी कभी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जैसे मोटर, या फिर वो ऊष्मा में परिवर्तित होती है जैसे विद्युत पर चलने वाले गीजर में होता है। उपकरण जैसे बिजली पर चलने वाली इस्त्री, गीजर, टोस्टर, ये सारे उपकरण विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। इन उपकरणों में एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ होता है जिसकी विशेषता उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब इन उपकरणों से विद्युत का प्रवाह गुजरता है तब वो ऊष्मा की निर्मिति करता है। अगला सिमुलेशन देखकर ये कैसा होता है ये जान लेते हैं। इस सिमुलेशन के जरिए हम जान पाएंगे कि प्रतिरोधक किस प्रकार काम करता है। यहाँ हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं जिसके कारण प्रतिरोधक के माध्यम से अधिक इलेक्ट्रॉन्स जा सके। यदि प्रतिरोध को बढ़ाया गया तो हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर रोक लगा सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत के प्रवाह और तापमान में परिवर्तन आएगा जिसका निरीक्षण हम कर सकते हैं। साधारण वोल्टेज और प्रतिरोध की मात्रा, इनके तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है और ये हम देख सकते हैं। वोल्टेज बढ़ाने के परिणाम स्वरूप प्रतिरोधक के माध्यम से अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह होता है जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। प्रतिरोध को कम करने पर भी अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह के कारण प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। इसी कृति को हम अलग अलग प्रकार के वोल्टेज और अलग अलग प्रतिरोध की मात्रा का उपयोग करके भी कर सकते हैं। चलिए ये गतिविधि करते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सामान्य रूप से दोहरी ए बैटरियों का इस्तेमाल होता है। हमने चार दोहरी ए बैटरियां ली हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम परिपथ में प्रभावी वोल्टेज तभी प्राप्त होता है जब हम वोल्टेज प्रदान करने वाले तत्वों का जोड़ लगाते हैं। चूंकि हर एक दोहरी ए बैटरी 1.5 वोल्ट ऊर्जा देती है, इसी कारण से कुल मिलाकर 6 वोल्ट होगा। हमने दो बड़ी सुइयां ली हैं जिन्हें प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन से जोड़ा गया है। सुइयां स्टील की बनी होती है इसीलिए वे विद्युत की सुचालक होती है। अगर आपके पास सुइयां न हो तो आप लोहे के कीलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर मोटाई की निक्रोम तार 40 गेज की सुइयों के इर्द गिर्द लपटें। जब विद्युत प्रवाह इस तार में से होकर गुजरेगा तो यह तार गर्म हो जाएगी, साथ साथ वो चमकेगी भी। निकोम एक मिश्र धातु है जो निकल और क्रोमियम से बनता है। ये आमतौर से हीट गन, हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों में ऊष्मीय तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये किफायती होता है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसका विद्युत प्रतिरोध भी अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास निक्रोम की तार नहीं है तो आप 5 सेंटीमीटर की स्टील की तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आमतौर से रसोई घर में बर्तन मांजने के स्क्रबर में इस्तेमाल की जाती है। जब सुइयों के दोनों छोर बैटरी के धारक के साथ जुड़े हुए हैं, इससे परिपथ पूर्ण हो जाता है और प्रवाह तारों में से बहना शुरू हो जाता है। हम निक्रोम के तारों में से विद्युत प्रवाह को प्रवाहित कर ऊष्मा का निर्माण करेंगे। इन तारों में उचित प्रतिरोध होता है, इसे फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। हम 9 वोल्ट की एक ही बैटरी का इस्तेमाल करने के बजाय 4 बैटरियों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनमें से हमें 9 वोल्ट की एक बैटरी की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह प्राप्त होगा। अगली पायदान, हम इसी गतिविधि को तारों की चौड़ाई बदलकर या फिर बैटरियों की संख्या बदलकर भी दोहरा सकते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर हम निक्रोम तार को तांबे के तार के साथ बदल दें तो क्या होगा? कोशिश तो करके देखें। 2, फ्यूज की तारें। विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उपयोग अधिक विद्युत प्रवाह से विद्युत उपकरणों की रक्षा करना है। इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट या कम ज्यादा होते विद्युत प्रवाह को भी प्रतिबंधित करने का काम करते हैं।
विद्युत फ्यूज की फ्यूज तार को चुनते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जब परिपथ से सामान्य नियत मात्रा में विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो तो उसे किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंच सके। सामान्य परिस्थितियों में फ्यूज की तार परिपथ का ही एक हिस्सा होती है जो परिपथ को पूर्ण करने में योगदान देती है ताकि आवेश उनमें से आसानी से प्रवाहित हो सके। और जब अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह फ्यूज की तारों से प्रवाहित होता है उस गर्मी के प्रभाव के कारण फ्यूज की तारें पिघलती हैं, क्योंकि फ्यूज की तारों को चुनते समय उन्हीं तारों को चुना जाता है जिनका गलनांक कम होता है। इससे परिपथ का लूप खंडित हो जाता है और परिपथ में आवेश के प्रवाह में बाधा आती है। लगभग सभी कम वोल्टेज वाले फ्यूज तांबे, टिन, जिंक, चांदी और कुछ कुछ परिस्थितियों में मिश्र धातुओं की सहायता से भी बनाए जाते हैं। चलिए एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा हम आसानी से फ्यूज की यंत्रणा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम तांबे की तार के स्थान पर निक्रोम की तार का उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर टांकने की क्रिया अर्थात तारों की सोल्डरिंग की क्रिया भी करेंगे ताकि फ्यूज के समान दिख सके। चार दोहरी ए बैटरियां लें और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें ताकि 6 वोल्ट का प्रभावी वोल्टेज मिल पाए। हमने 2 सुइयां प्लास्टिक के ढक्कन से जोड़ी हैं, जैसे यहां दिखाया गया है। अब हम 5 सेंटीमीटर की निक्रोम तार लेंगे, इसके साथ सोल्डरिंग की तार भी लेंगे। इस प्रकार सुइयों के इर्द गिर्द हमने लूप परिपथ तैयार किया है। निक्रोम तार में अधिक मात्रा में प्रतिरोध होने के कारण जब उनमें से विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है ऊष्मा होती जाती है। सोल्डर किए हुए तारों में टिन और सीसा धातु का मिश्रण होता है, उनका गलनांक कम होता है और वे निक्रोम के तारों द्वारा निर्मित ऊष्मा के कारण गलने लगती हैं। सोल्डर किए हुए तारों के पिघलने से परिपथ खंडित हो जाता है। हम निक्रोम की तारों के स्थान पर स्टील की तारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दोनों गतिविधियों द्वारा हमने विद्युत प्रवाह के ऊष्मीय प्रभाव को समझने का प्रयास किया।